तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ ऑटो ब्राइटनेस लेवल के बारे में। जैसे दोस्तों, आप अगर यूट्यूब चलाते हो तो यूट्यूब ओपन करोगे तो दोस्तों, जितना सारा जो है आप यूट्यूब पर ब्राइटनेस लेवल सेट करके रखोगे, तो दोस्तों जब भी आप कभी यूट्यूब को ओपन करोगे तो उतना ही आपको ब्राइटनेस में वो जो यूट्यूब जो है ओपन होगा। जैसे दोस्तों, आप जो है फेसबुक लाइट यूज कर रहे हो या तो व्हाट्सएप कर रहे हो, तो उसमें जो जो है दोस्तों, आप जितना सारा जो है ब्राइटनेस लेवल को सेट करके रखोगे तो उसी ब्राइटनेस लेवल में जो है दोस्तों, वो जो है ओपन होगा एप्लीकेशन, ठीक है। तो इससे दोस्तों आपका बैटरी का भी काफ़ी ज़्यादा बचत होगा और दोस्तों यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन को यूज करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आप आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को पसंद आता है तो एक लाइक करना, और चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब को ओपन किया तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो है ब्राइटनेस लेवल जो है यहाँ से कितना कम हो गया, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब को ओपन मतलब यूज करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों ब्राइटनेस जो है इतना ज़्यादा रखना सही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ऑटो लेवल पर जो है यहाँ पर जो है यूट्यूब का ब्राइटनेस लेवल जो है कम करके रखा है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद दोस्तों मैं चले जाता हूँ फेसबुक लाइट पर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर फेसबुक को ओपन करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फेसबुक का लाइट जो है यहाँ से थोड़ा सा जो है इंक्रीज हो चुका है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा बढ़ चुका है, ठीक है। और जो फेसबुक का जो है ब्राइटनेस लेवल थोड़ा मैं बढ़ा करके रखा हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर मेरे फ़ोन पर व्हाट्सअप का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जैसे मैं व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो मेरा ब्राइटनेस लेवल जो है यहाँ से थोड़ा सा बढ़ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप भी अपना मोबाइल फ़ोन पर करके रख सकते हो। फिर से मैं यहाँ पर जो है गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए गूगल क्रोम को जैसे मैंने यहाँ से ओपन किया तो दोस्तों यहाँ पर जो है गूगल क्रोम में भी जो है ब्राइटनेस लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपना मोबाइल फ़ोन पर लगा करके रख सकते हो ऑटो लेवल ब्राइटनेस, ठीक है। आपको दोस्तों किस तरह से लगाना, सबसे पहले आपको फ्रेंड्स चले जाना होगा प्ले स्टोर पर। यहाँ पर दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इसका नाम है ब्राइटनेस कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे ब्राइटनेस कंट्रोल लिखोगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएंगे, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों कोई वगैरह सेटिंग नहीं करना है, आपको यहाँ पर दो तीन परमिशन देना है। इसके बाद आपके सामने जो है सारा यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएंगे और सारा एप्लीकेशन आ तो इसके सामने दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर जो है सभी एप्लीकेशन के सामने जो है यहां पर इनेबल करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहां पर जो है इसको एक एक करके इनेबल करके रख सकते हो, और कितना जो है आपको ब्राइटनेस लेवल रखना है तो दोस्तों आप जो है उस तरह से यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल को कम या ज़्यादा रख सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का छोटा मोटा वीडियो, और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक करना, और फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्त यहाँ पर मोबाइल से रिलेटेड इसी तरह से वीडियो मैं आपके लिए ले करके आते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।